मध्य प्रदेश के नए वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत पद संभालने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद रावत नंदी हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने शिव भक्ति में ध्यान लगाया और नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाकर मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान देंगे एवं मध्य प्रदेश को वन आच्छादित प्रदेश बनाएंगे। याद रहे कि अभी तक वन एवं पर्यावरण विभाग नागर सिंह चौहान संभाल रहे थे। रामनिवास रावत को मंत्री बनने के 13 दिन बाद रविवार को विभाग का आवंटन कर दिया गया। इसमें वन एवं पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत को दिया गया है। रामनिवास उन मंत्रियों के लिस्ट में आते हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। बाबा महाकाल की पवित्र नगरी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी के पवित्र शहर में बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने आए थे। वैसे मैं रेगुलर दर्शन करने आता रहता हूँ और श्रावण मास में तो आता हूँ। श्रावण मास में जैसा कि आप सभी जानते हो आध्यात्म का मास है, बाबा महाकाल का बड़ा महत्व है। उनसे आशीर्वाद लिया है और पूरे प्रदेश में बनों को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आशीर्वाद भी मांगा है, साथ ही जिससे खुले वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन से सांस ले सकें लोग और पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए, पूरे प्रदेश की बारिश ठीक हो, फसल अच्छी हो, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना की थी। और आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी और पूरे संगठन के साथ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में हमारे विकसित भारत का संकल्प की कल्पना करने वाले आदरणीय मोदी जी के पवित्र संदेश एक पेड़ माँ के नाम वृक्ष या एक रेस्ट हाउस में लगाया भी है और हम इस संदेश को आगे से अधिक ले जाने नीचे बढ़ाने का काम करेंगे। और आदरणीय मोहन यादव जी की भावनाओं के अनुरूप, उनकी आशा और इच्छा के अनुरूप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।